अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं जीरे के सिंपल चावल बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इसको किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं आप, फिश के साथ, छोलों के साथ या किसी भी सालन या सब्जी के साथ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 300 ग्राम कच्ची बासमती। इनको मैंने आधे घंटे पानी में भिगो दिया था। अब हम इसको बनाएंगे और इसमें जाएगा ये सामान। ये एक चम्मच नमक लिया है मैंने, आधा चम्मच जीरा लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है छोटा सा, अच्छी खुशबू आती है इससे, और एक टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे हम। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये दालचीनी, ये जीरा, सारा डाल देंगे हम जीरा। अब हम इसमें डालेंगे चावल का 2 गुना पानी। जितने चावल लिए थे हमने उसको बर्तन से नाप कर हम उसका 2 गुना पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक जो हमने आपको दिखाया था और पानी को पकने देंगे। ये पानी हमारा पकने लगा है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चला देंगे इसको हम और इसको ढककर फुल आंच पर पकाएंगे हम, इतना इसके पानी खुशक हो। ये ढक दिया है हमने इसको, आप देख सकते हैं इसका पानी खुशक हो चुका है। इसमें ये सुराख सुराख से बन गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको ढककर स्लो आंच पर पकाएंगे, चावल गलने तक दम पर रख देंगे हम इसको। आप चाहें तो इस पर एक कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही ढक रहे हैं। 5 से 6 मिनट इसको हमने स्लो आंच पर रख दिया था, फिर हमने चूल्हे को बंद कर दिया था। उसके बाद 6 मिनट हो चुके हैं दम पर इसको रखे हुए। अब हम इनको खोलेंगे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले चावल तैयार हो गए हैं हमारे। इनको हल्के से हम इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए, ना तो इनमें पानी है बिल्कुल भी और ना ये टूटे हैं और या ना ये नीचे से जले हैं, आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल सही है ये। अब हम इनको सर्व, ये देखिए इसका हर दाना खिला खिला बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में बहुत ही टेस्टी चावल बनके तैयार हुए हैं ये और बिल्कुल खिले खिले हैं। आज हमने फिश कोरमा बनाया है, ये हमने उसके साथ ही बनाए हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं फिश के साथ या किसी भी सालन के साथ। तो आप भी बनाइए हमारे इस तरीके से। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।